अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फ नोड्स हमने कैसे पंपेट कर रहे हैं। हमारे ईएलटी में सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, प्रीएलिटल होते हैं, पोस्ट एलिटल, ऑक्सीपिटल, तो इन सबको हमने लिम्फ नोड्स को कैसे पंपेट कर रहे हैं। किसी भी एग्जामिनेशन के एंड पे आपने स्टेप लाजमी करना होता है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफ़ा सेपरेट वीडियो बना के बता दूँ। अच्छा, एक तो मैं आपको लिम्फ नोड्स के लेवल बता दूँ। जो नेक के लिम्फ नोड्स हैं उनके लेवल हैं, लेवल वन है, इसमें सब मेंटल एंड सब मैंडिबुलर नोड्स आते हैं, ये लेवल वन है, ठीक है। फिर उसके बाद लेवल टू है अपर जुगलर, ये जुगलर आप जुगलर वेन के साथ देखें, ठीक है। दिस इज स्टेनोक्लेमस्टाइन मसल, ये चल रहा है, ठीक है। जो अपर मोस्ट पार्ट है ये लेवल टू है, उसके बाद लेवल थ्री आता है, फिर इस लेवल फोर है। लेवल फाइव इज पोस्टीरियर ट्राइंगल, जो भी पोस्टीरियर ट्राइंगल जिसके पीछे वाला पार्ट है स्टर्म साइड मसल के पीछे, ठीक है, ये सारा लेवल फाइव आ जाता है ऊपर तक। उसके बाद लेवल सिक्स और लेवल सेवन, जो लेवल सिक्स है उसमें प्री लेरिंजियल, प्री ट्रेकियल एंड पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स हैं। जो लेवल सेवन है वो नीचे होता है सुपीरियर मेडिसिनम में, उसको आप पल्पेट नहीं कर पाते। फिर इसके अलावा प्री एरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, पोस्ट एरिकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, और पीछे ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स होते हैं, ओके। सबसे पहले जो सब मेंटल लिम्फ नोड्स हैं, पेशेंट से क्या थोड़ा सा आप नीचे नीचे करें, शायद बस थोड़ा सा नीचे करें मुंह, ठीक है। यूँ आप इनको दोनों हाथों से भी पल्पेट कर सकते हैं, और आपके जो पल्प है फिंगर्स के टिप्स हैं आप उससे पल्पेट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, यूँ आप इसको पल्पेट कर सकते हैं। फिर सब मेडिकुलर है, ठीक है, आप दोनों तरफ से पीछे पल्पेट कर सकते हैं सब मेडिकुलर लिम्फ नोड्स को, मेडिकुल के नीचे। अच्छा, अब इससे आनवर्ड जो जुगलर लिम्फ नोड्स हैं उनको आपने दोनों साइडों पे एक वक्त पे पल्पेट नहीं करना, ठीक है। रीज़न ये है कि नीचे पड़ी है जुगलर वेसल्स पड़ी हुई हैं, आप उनको प्रेस कर सकते हैं, पेशेंट फेंट हो सकता है, उसकी ब्लड सप्लाई ब्रेन की कंप्रोमाइज हो सकती है। यहाँ पे कैसे करना है, आपने मेथड किया है, एक तो बारी बारी करना है वन बाई वन, दूसरा अपने हाथ कैसे सी बना लें, जैसे सी होता है, ठीक है, सी बना लें, और स्टेनोमस्टाइड मसल के अलांग आपने जाना है और इसकी डीप जाना है, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा डीप लग जाना है इस मसल की, क्योंकि मस जो नोड्स होते हैं वो उस मसल की डीप पड़े होते हैं। सबसे पहले लेवल टू, अच्छा, अपनी तरफ पेशेंट को थोड़ा सा टिल्ट करें सर, ठीक है। अब पहले आपने लेवल टू पल्पेट करना है, दिस इज लेवल टू जुगलर का, ठीक है, दिस इज लेवल थ्री और नीचे लेवल फोर, ओके। फिर इस तरफ दूसरी तरफ आएंगे, इधर मुँह कीजिए प्लीज, वही तरीका लेवल वन, सॉरी अपना ये लेवल टू, नीचे लेवल थ्री और उसके नीचे लेवल फोर। आपने थोड़ा सा डीप जाना है, अपने इस मसल के डीप जाएंगे तो आपको लिम्फ नोड्स पल्पेट होंगे। आगे प्री लेरिंजियल, प्री ट्रेकियल थोड़ा मुश्किल है इनको पल्पेट करना, लेकिन प्री लेरिंजियल आप कम से कम पल्पेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्फियन नोड एक होता है लेवल सिक्स पे, अगर लेरिंजियल ट्यूमर हो तो उसमें समटाइम्स या लेरिंजियल इन्फ्लेमेशन के अंदर वो लिम्फ नोड पल्पेट हो जाता है, ठीक है, प्रोमिनेंट होता है यहाँ पे, ओके। अब लेवल फाइव आ गया, लेवल फाइव को आप इकट्ठा पल्पेट कर सकते हैं, दिस इज पोस्टीरियर ट्राइंगल, ठीक है, आप पूरी पोस्टीरियर ट्राइंगल में इसको पल्पेट करेंगे लाइक दिस। तो बाकी लेवल सेवन है उसको पल्पेट नहीं कर पाते। इसके बाद प्री एरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं, मैं चेक करता हूँ प्री एरिकुलर लिम्फ नोड्स को, इसी तरह पीछे पोस्ट एरिकुलर लिम्फ नोड्स, और अपने थंब के साथ ये ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स, ठीक है। हेड एंड नेक में जो भी लिम्फ नोड्स हैं उनको हमने इस तरीके से एग्जामिन करना होता है, ठीक है, ओके।